बड़सर विधानसभा क्षेत्र के विश्राम गृह में बड़सर कांग्रेस द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेसी नेताओं सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल सहित अन्य नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और कांग्रेस जिला प्रभारी आश्रय शर्मा सहित दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने जयराम सरकार को भ्रष्टाचार युक्त सरकार कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लेकिन बीजेपी जांच करवाने में पूरी तरह से असमर्थ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से जनता का मोह भंग हो चुका है। आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी की रवानगी तय है। हमारे पास रोज आती है, कौन अधिकारी क्या कर रहा है, कौन इनका नेता क्या कर रहा है, कौन इनके जो पदाधिकारी हैं क्या कर रहे हैं, किससे पैसा ले रहे हैं, किसको प्रलोभन दिए जा रहे हैं, ये सारी बातें हमारे पास पहुंच रही हैं। ये भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, इन्होंने तो भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रखी है। हर विभाग में इनकी भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर विभाग में ये जो हैंड बोर आते हैं इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, हॉर्टिकल्चर से जो बोर आते हैं उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, जो ट्रैक्टर आते हैं उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, जो इनके श्रम कल्याण बोर्ड से जो लोन दिए जाते हैं गरीब लोगों को उनसे पैसा लिया जा रहा है, कहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। कौन सी इनकी जो पारदर्शिता है, कौन सा इनके पास सिस्टम है जिससे इन्होंने आज एक भी आदमी पकड़ा हो। तो ये जो है झूठ की सरकार, इसको उखाड़ने के लिए हमने पालमपुर और अपने यहाँ से सोलन से शुरुआत कर दी है। बाकी अब इनकी जो दिशा जो है उल्टी चल पड़ी है और आने वाला समय हमारा स्वर्णिम होगा। आप लोगों को लिए नई सरकार यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की होगी इस प्रदेश के अंदर। ये चाहे जो मर्जी कर लें, ये जितना मर्जी पैसा बहा लें, जितनी मर्जी शराब बहा लें, जितने मर्जी बड़े बड़े होर्डिंग लगा लें, जनता का मोह भंग हो चुका है। वहीं जिला हमीरपुर कांग्रेस के प्रभारी आश्रय शर्मा ने भी जयराम सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को हिमाचल में उनके काम के नाम से जाना जाता है, लेकिन मंडी के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पोस्टरों और तस्वीरों के मुख्यमंत्री के नाम से जाना जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी युवाओं को रोजगार के साधन जुटाने में पूरी तरह से अक्षम रहे हैं। मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल जी, तो उनको सड़कों का मुख्यमंत्री कहते हैं। हमारे जो मंडी से मुख्यमंत्री बने हैं, इनको हम फोटो का मुख्यमंत्री कहते हैं, क्योंकि जहाँ जंगल जंगलात हो कहीं पे भी हो तो वहाँ पे आपको जयराम जी की फोटो देखने को मिलेगी। आज आप जानते हैं कि इस क्षेत्र को, हमीरपुर की मैं बात करूँ, तो हमेशा से एक आपको पहले मुख्यमंत्री के रूप में व्यक्ति मिले और आज आपको केंद्र मंत्री के रूप में एक व्यक्ति यहाँ से मिले। वित्त मंत्रालय मिलना कोई आम बात नहीं, परंतु पंडित सुखराम जी भी जब केंद्र में मंत्री रहे तो भी आपको याद होगा एक समय कि पीसीओ के माध्यम से उन्होंने लोगों को रोजगार दिया। जब पंडित सुखराम जी की मैं बात करूं तो उनकी सोच हमेशा इस तरीके की रही कि जो व्यक्ति को मौका मिलता है उसका सदुपयोग कैसे किया जाए। परंतु आज आप देखते हैं, मेरे को जानकारी नहीं हो सकती, आप बताइए अगर वित्त मंत्री बनने के बाद यहाँ पे कोई रोजगार मिला हो, क्योंकि पंडित सुखराम जी जब मंत्री थे तो पीसीओ उन्होंने ऐसे बांटे जैसे मिठाइयाँ होती हैं, कई लोगों ने अपने परिवार का पालन पोषण किया। आज आपको यहाँ पे वित्त मंत्री मिले तो क्या आपको रोजगार मिला? आज आपको मुख्यमंत्री हैं और मंत्रीगण हैं इनके, तो आज आप देखते हैं क्या यहाँ पर विकास हुआ कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह।